अरवी बैंगन। ज़्यादातर लोग आलू बैंगन बनाते हैं पर मैं अरवी बैंगन बना रही हूँ। ये मैंने बैंगन लिए हैं 1 किलो, ये अरवियाँ ली हैं 1/2 किलो। इसमें मैंने नमक लगा के रख दिया ताकि जो अरवी में लेसपन आ जाता है वो नहीं आएगा। और ये नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, 1 प्याज ली है, 6 हरी मिर्चें ली हैं, 1.5 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चों का लिया है और 1/2 चम्मच अदरक लहसुन और 2 चम्मच 2 टमाटर लिए हैं मैंने। ये मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है सरसों के तेल में। अब प्याज मैंने इसमें डाल दिए, प्याज ऐसी कचरी करके गई। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी, अदरक लहसुन, हल्दी, कुटी हुई मिर्चें, हरी मिर्चें और नमक। अब इसको मसाला भी अभी बैंगन जो मैंने पानी में काटे हुए थे ताकि काले ना हो, अभी मैं बैंगन डाल दूंगी इसके अंदर। डाल दिए, अब इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखूंगी, उसके बाद मैं अरवियाँ डालूंगी क्योंकि अरवियाँ बहुत जल्दी नरम हो जाती है। ओके, फिर इसमें अरवियाँ डालूंगी। दम पे आ गए, अब मैं इसमें अरवियाँ ऐड करूँगी और 7 हरी मिर्चें 4-5 में अरवियाँ दम पे आ जाएंगी। बहुत मज़े का बनता है ये अरवी बैंगन। ये देखिए मेरे अरवी बैंगन रेडी हैं, अब मैं इसमें डिश में निकाल के पेश करूँ। ये देखिए अरवी बैंगन आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा किस तरीके के बने।